कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। उन्होंने कहा कि पर्सनल मैटर है, उसमें कहा कि पर्सनल मैटर है। मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। वो दर्शन करने किसे जाएंगे? ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस ने वहां भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए, उन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, राम सेतु को नकार दिया। तो आज अगर वो राम जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होंगे, तो पहले से उनका यही सोच था, आज भी सोच दिखा है, और मुझे नहीं लगता उनकी सोच बदलने वाली है। लेकिन देश के लोगों ने यह स्पष्ट संदेश दिया है, और जैसे अपने मन में राम जी को बसाए हुए हैं, वैसे ही अब उनके बगल में मोदी जी को भी बसा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो किसी से भेदभाव नहीं किया, और मोदी जी को किसने बुलाया? न्यास ने बुलाया, श्री राम जन्मभूमि न्यास, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया आप भव्य मंदिर बनाइए। मंदिर बना है, देश के पाई पाई से बना है, और मैं स्पष्ट कर दूं कि राम जी न सिर्फ भाजपा के हैं, भाजपा के भी हैं, न सिर्फ आरएसएस के हैं, आरएसएस के भी हैं, राम जी जन जन के हैं। इसलिए मैं सभी को ना, मेरा आज एक गीत आया है, राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, सब लोग इसको देखें। और मेरा एक और गीत आने वाला है, और एक गीत तो हमारा ऐसा भी आएगा कि मां शबरी की प्रबल प्रतीक्षा मर्यादा के धाम, जन जन के है राम, जन जन के है राम। अगर कांग्रेस को लगता है वो राम जी उनके नहीं है, तो उनकी समस्या है।